हम तो अंदर ही दरवाज़ा बंद करके तो लेटी गए, बाहर निकलने की बिल्कुल हमने सोची नहीं, इतनी डर क्योंकि 15 साल पहले कभी सुना था हमने ये ना, तब हम थोड़े छोटे छोटे थे तो ये आवाज़ें सुनते थे हम कई लोग, आज 15 साल के बाद पहली बार सुना था थोड़ा डर लगा। अब तो गवर्नमेंट हो गई, सुबह चलने में दुखा दो मतलब अकेले चलने में कहीं जैसे आप खुले आम घूमा करते थे आराम से, जल्दी से घूमा करते थे, ऐसे सपाटे में जाते थे बिना मतलब टेंशन के चला करते हर जगह। थोड़ी सी अचानक रात को थोड़ी थोड़ी सी हमें डर पैदा हुआ, मैं इस समय काशीगढ़ के इलाके में हूँ और मेरे साथ स्थानीय निवासियों से जानना चाहूंगा कि कल देर रात क्या हुआ जब आतंकवादी हमला हुआ, आप उस समय कहाँ थे जब ये फायरिंग हुई? सर असल में ये रात के 2 बजे हमने फायर सुना, तो हम इधरी गांव में रहते हैं तो रात के 2 बजे मतलब 15 साल के बाद वो आवाज़ सुनाई दी हमें, तो थोड़ा गाँव में अपने घर में थोड़ा डर का माहौल पैदा हुआ और रात भर तो फिर उसके बाद हम सोए नहीं जब आवाज़ सुनी गई। कितनी देर तक ये फायरिंग चलती रही? कोई 1-2 घंटा फायरिंग चलती रही। तो उस वक्त क्या लग रहा था आपको? तो डर, काफ़ी डर लगा क्योंकि अमन और शांति के माहौल में हम रहते थे, आज तक तो अमन सुकून में रहते थे, अचानक अगर कोई हम पराई आवाज़ सुने तो फिर डर ही लगता है। कोई लग रहा था कि आपको कि हो सकता है अंदर भी आ जाए? अब इतने करीब फायर था? हाँ, गाँव के उसी साथ में इस साइड में हम गांव हम में रहते हैं हम, तो अगली साइड फायर। बच्चों बच्चों को क्या किया उस समय? बच्चे तो डर गए ना, बच्चों को तो डर लगा। मतलब ऐसा हुआ कि आप जमीन पर लेटे उस टाइम कुछ? हाँ, हम तो अंदर ही दरवाज़ा बंद करके तो लेटी गए अंदर, बाहर निकलने की बिल्कुल हमने सोची नहीं। अच्छा, कि हम इतने डर गए हम सारे, क्योंकि 15 साल पहले कभी सुना था हमने ये ना, तब हम थोड़े छोटे छोटे थे तो ये आवाज़ें सुनते थे हम फायरिंग वायरिंग, तो आज 15 साल के बाद जब हम पहली बार सुना तो फिर थोड़ा डर लगा। ये क्या सुन रहे हैं आजकल, यहाँ मूवमेंट हो रही है लगातार, जो लोग क्या कहते हैं? सर अब हमारे इलाके तो ये बड़े सेफ थे, भाईचारा बढ़िया है हमारा इधर, तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, क्या क्या मसला? लेकिन एक तब से ये कल की फायरिंग के बाद अब घबराहट है शाम को निकलने में? हाँ, कुछ अब तो घबराहट हो रही है। हाँ, अब सुबह चलने में घबराहट हो रही है, मतलब अकेले चलने में, कहीं इधर उधर चलने में कोई पता नहीं क्या होगा कैसे। तो जैसे आप खुले आम घूमा करते थे आराम से, जल्दी से घूमा करते थे, सैर सपाटे भी जाते थे बिना मतलब टेंशन के चला करते थे हर जगह, लेकिन थोड़ी सी ये अचानक रात को जो ये फायरिंग हुई उस वजह से हमें डर पैदा हो गया है। एक पल के लिए लग रहा था कि फायर अंदर आ सकता है, ये इतनी करीब से आवाजें आ रही थी आपको? हाँ, बहुत पूरे गांव के ऊपर से गोलियां चल रही थी, बड़ी डर का माहौल बन गया था। उसके बाद जब ये फायरिंग रुक गई तो आपने क्या किया, बाहर गए आप उसके बाद या अंदर ही? जब पूरा सूरज ऊपर आसमान पे निकल आया तो फिर बाहर निकले हम, उससे पहले तो बाहर निकलने का तो सोचा नहीं हमने, तब तक उधर ही रहे। हाँ, तब तक अंदर ही। और अब क्या सोच रहे हैं आप, यहाँ परिवार के सदस्य के साथ अगर दोबारा कहीं ऐसा फायरिंग होगा, ऐसा वहम है आपके मन में कहीं? नहीं, वहम तो अब ये आने वाले दौर में क्या है, मतलब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफ़ी मजबूत है, इस बारे में वो तो जो है दहशतगर्द कौन है क्या है, ये अमन को ख़राब करने वाले लोग जो हैं इनको बख्शा नहीं जाएगा आर्मी की तरफ से। आपको पूरा यकीन अपनी फोर्सेस पे? हाँ, फोर्सेस अपनी इंडियन फोर्सेस पे बोले पूरा यकीन है। क्या लगता है एक बार फिर से वही माहौल ले आएंगे ये अमन अमान का? अब जैसे हम अब अमन अमन अमान तो लाने की कोशिश तो करनी पड़ेगी इनको कहीं ऐसे, क्योंकि ये तो इससे कौम में मुल्क तो तबाह हो जाते हैं, अगर ये दहशत के माहौल ये डर का माहौल रहा तो यहाँ तो तरक्की कहाँ होगी। यानी कि ये पार से पाकिस्तान से एक बार फिर से आप लोगों के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए आगे, ये तो नुकसान पहुंचाने के लिए कौन से लोग हैं, ये क्या है, ये इनका कोई पता नहीं, इनकी कोई जात और धर्म नहीं होता है, कोई जात धर्म नहीं होता, धर्म जो जो इंसानियत के खिलाफ है उसका कोई जात धर्म है नहीं इस धरती पे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आपको अपनी फौज पे पूरा यकीन है? मुझे हमें पूरा यकीन है, चाहे यहाँ किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि हमारी जो फौज है ये अमन और शांति को कायम रखने वाली फौज है और मजबूती से दहशतगर्दों को असफाय कर दिया। यानी कि कुछ भी हो जाए आप अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे, फौज यहाँ है तो घबराएं, फौज का तो भरपूर साथ देंगे किसी भी मसले में और फौज हमारे साथ है। ये हमारा गांव दछवाटा है, ये साथ में लोअर हाई स्कूल के साथ में हमारा घर है,
तो सर यहाँ पे शाम को 8-9 बजे के करीब आर्मी आई थी, तो उसके बाद हम भी गए उधर, आर्मी वालों के साथ बातचीत की। तो जब वो उधर से गए तो फिर बोलने लगे हमें जाओ सो जाओ अब, तो हम आके सो गए। तो उसके बाद 2 बजे फायरिंग शुरू हो गई, तो हम अंदर सोए हुए थे, हमें कोई पता नहीं था। उस वक्त बाहर निकलने भी नहीं देते थे और निकलना भी नहीं चाहिए। तो सुबह वैसे ही 5 बजे जब रोशनी वोशनी हुई तो हम निकले बाहर, तो उस वक्त फायरिंग शायरिंग बंद हो गई थी सारी। तो जब बाहर निकले हम तो देखा 2 आर्मी जवान जख्मी थे, एक खुद चल के गया तो दूसरे को स्ट्रेचर पे उठा के रोड तक ले आ गया। तो उसके बाद का कोई पता नहीं है। अब फोर्सेस वगैरह यहाँ पे अभी है, बाकी मिलिटेंट जो कुछ था तो वो भाग गए थे कहीं रात को ही। कितने बजे ये ये शुरू 2 बजे हुआ शुरू हुआ था तो 5 बजे तक रही फायरिंग। तो कोई ग्रेनेड पे गिरा था, कोई ग्रेनेड फायरिंग थी? ग्रेनेड के अंदर तो हमें एक दो आवाजें सुनी, लेकिन अब वो पता नहीं है उनका था या आर्मी वालों का था क्या था। और क्या देखा आपने यहाँ पे उस यहाँ पे उस वक्त हमने कुछ नहीं देखा। अगर रात को देखना क्या था, हमने सुबह ही देखा, तो सुबह खाली फौजी फौज थी इधर, तो रात को हम बाहर ही नहीं निकले। तो पहले भी इस तरह की घटनाएं यहाँ पे होती थी? पहले इधर नहीं हुआ था ऐसे कभी, आज पहली बार हुआ। मिलिटेंसी होती थी पहले भी, लेकिन ये हाल नहीं हुआ था पहले कभी। क्या लगता है आपको यहाँ पे अब ये जो हालात? अब हालात डर लगता है, अब अगर ऐसे ऐसे हालात बने रहे तो डर तो लगता ही है। आस पास में कितने घर हैं? घर तो बहुत ज्यादा है इधर सर, 200-400 के करीब घर हैं, बहुत एरिया है यहाँ पे। तो अभी किस तरह से आप देखते हैं इस चीज को, इस सब चीजें, ये जो आतंकवादी जो लगातार हमला कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? और इससे पहले जब यहाँ पे मिलिटेंसी फ्री था ये एरिया, तो उसमें कितना अमन चैन था और वो अभी क्या है? उस वक्त तो बहुत खुशी से रह रहे थे। अब हमें लगभग 10-12 साल हो गए थे, बड़े आराम से हम अपनी जिंदगी निकाल रहे थे, लेकिन अब तो बहुत गलत लग रहा है, क्योंकि फिर से ये माहौल खराब हो गया है। अब तो डर लगता है। तो पहले इन दिनों भी आपने कोई सुना था कि यहाँ पे कोई लोग ऐसे घूम रहे हैं? ना ना, पहले हमने नहीं सुना कुछ भी। इसमें कोई मसला? स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम अपना घर बार नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जरूर डर का माहौल है, परेशानी जरूर है। 15 वर्ष के बाद ऐसे हालात यहाँ पे हुए हैं कि एक बार फिर से फायरिंग की आवाज इन जंगलों में गूंजने लगी है, जो कभी इन्होंने सुनी नहीं थी। शायद बचपन में इन्होंने सुनी थी, कोई थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन एक बार फिर से एक दहशत का माहौल है। लेकिन इन्हें पूरा भरोसा है अपनी भारतीय सेना पर, फौज पर। इन्हें कहते हैं कि हम शाना बशाना हम उनके साथ काम करेंगे, वो हमारे लिए हैं, जब वो है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। और हाँ, जो पार से लोग आए हैं वो इंसानियत के दुश्मन हैं, क्योंकि वो इंसानों के मार काट के लिए आए हुए हैं, इसलिए इन्हें कोई हमदर्दी उनके लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अपने फोर्स पे पूरा भरोसा है, अपनी फौज पे पूरा भरोसा है, और इन्हें मालूम है कि जब फौज है तो घबराने की क्या जरूरत है। प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए।